नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। कांग्रेस का 3 दिवसीय मंथन शिविर समाप्त हो गया है। 3 दिवसीय मंथन शिविर के समापन के बाद प्रदेश प्रभारी देवेंद्र और प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल सहित तमाम कांग्रेसी नेताओं की मौजूदगी में प्रेस वार्ता की गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के मुताबिक पूरे मंथन के दौरान मुख्यतः बेरोजगारी, महंगाई, महिला उत्पीड़न और सशक्तिकरण व युवा कल्याण पर चर्चा की गई है। मेरे साथियों, ये 3 दिन का जो विचार मंथन शिविर है और इसमें से जो अमृत निकला है उसकी जानकारी मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश की हमारी महान जनता को देना चाहता हूँ। और वो यह है कि हम अगले 1 माह के भीतर 4 जोन्स में, गढ़वाल हिल्स, कुमाऊं हिल्स, गढ़वाल के मैदानी भाग और कुमाऊं के मैदानी भाग, जिसमें कि नारसन से लेकर बड़कोट और बद्रीनाथ तक का क्षेत्र एक तरफ आता है और दूसरी तरफ जसपुर से लेकर अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, मुंशियारी, धारचूला तक का क्षेत्र आता है, इनमें 4 परिवर्तन यात्राएं हमारी पार्टी कंडक्ट करेगी। कमेटी हो, चाहे आउटरीच की कमेटी हो और विभिन्न जो चुनाव से संबंधित हमारी 10 की 10 मीडिया, सोशल मीडिया, सभी कमेटियों का जहां विस्तार से उनके आने वाले समय में किस तरीके से वो अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, उनसे कार्य योजना ली गई। उसके साथ साथ संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर हमारे जितने भी साथी हैं, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट रहे, चाहे तो आपको बता दें कि कांग्रेस का 3 दिवसीय मंथन शिविर समाप्त हो चुका है और दिवसीय मंथन शिविर के समापन के बाद प्रदेश प्रभारी देवेंद्र और प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल सहित तमाम कांग्रेसी नेता वहां पर मौजूद रहे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। रुक करते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने हरिद्वार दौरे पर रही और इस दौरान राज्यपाल पहुंची, जहां पर उन्होंने सबसे पहले शांति कुंज प्रमुख प्रणव पांड्या से मुलाकात की और इसके बाद उन्होंने भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया है। इस दौरान राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि इन दिनों सावन मास चल रहा है, ऐसे में भगवान भोलेनाथ का उन्हीं की ससुराल दक्षेश्वर महादेव में रुद्राभिषेक करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो ये खबर हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हरिद्वार पहुंची और उन्होंने वहां पर पहुंचकर सबसे पहले शांति कुछ प्रमुख प्रणव पांड्या से मुलाकात की और इसके बाद उन्होंने भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया है। और इस दौरान राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि इन दिनों सावन मास चल रहा है और ऐसे में भगवान भोलेनाथ का उन्हीं की ससुराल दक्षेश्वर महादेव में रुद्राभिषेक करना उनके लिए काफी सौभाग्य की बात है। वहीं पौड़ी गढ़वाल में जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार ने जीआई में ईवीएम मशीन कक्षों का बाहरी निरीक्षण किया है। उन्होंने जीआईसी में ईवीएम कक्षों के तालों की सील चेक की और इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्माणाधीन वेयर हाउस का निरीक्षण कर 15 दिन के अंदर निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि बिजली व पानी की सुरक्षित व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। तो पौड़ी गढ़वाल से खबर है, जहां पर डीएम ने ईवीएम मशीन कक्षों का बाहरी निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्माणाधीन वेयर हाउस का निरीक्षण करके 15 दिन के अंदर निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि बिजली और पानी की समुचित व्यवस्था वहां पर जरूर करें। ईवीएम वेयर हाउस का निर्माण कार्य चल रहा है, इलेक्शन कमीशन के निर्देश के अनुक्रम में उसका निर्माण कार्य किया जा रहा है और भविष्य में जितने भी निर्वाचन होंगे उस समय जो भी ईवीएम्स का रखने के लिए जो स्थान पर्याप्त आवश्यकता होती है उसके लिए व्यवस्था की जा रही है। इसमें सभी विधानसभाओं के ईवीएम्स को रखने की व्यवस्था रहेगा और
चुनाव के पश्चात जो इलेक्शन सेक्शन पीरियड होती है उसमें सभी ईवीएम्स को पुलिस गार्ड के निरीक्षण में यहाँ रखा जाएगा। इसके लिए जो व्यवस्था बनाई जा रही है, 6 कक्ष बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर रैक्स का व्यवस्था किया जाएगा। रैक्स पर ईवीएम मशीन्स और जो हमारे बाकी वीवीपैट्स होती हैं उसको रखा जाएगा। पुलिस के तैनाती का व्यवस्था किया जाएगा, यहाँ पे उनके लिए कक्ष बनाया। वह इन दिनों सरकारी अस्पतालों और एएनएम केंद्रों में लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, साथ ही साथ बड़ी संख्या में लोगों के एंटीजन और आरटीपीसीआर सैंपल लेकर जांच के लिए भी भेजे जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अब धीरे धीरे लोगों में जागरूकता बढ़ती दिखाई दे रही है, तो स्वयं ही लोगों की भीड़ वैक्सीनेशन सेंटरों और जांच सेंटरों पर उमड़ पड़ी है। आपको बता दें कि एएनएम ने बताया है कि वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावा 13 एएनएम केंद्रों पर वैक्सीनेशन का कार्य जोर शोर से चलाया जा रहा है, जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों का मौसम में कहीं दूर जाकर वैक्सीन लगाने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो वहीं अस्पताल में आने वाले बीमार लोगों के एंटीजन और आरटीपीसीआर सैंपलिंग कराने की सलाह भी दी जा रही है, जिसे लोग भी खुशी खुशी से अपनी जांच करा रहे हैं। विकास खंड नारायणगढ़ में लगभग हमारे 13 एएनएम सेंटर हैं। उन एएनएम सेंटर में वैक्सीन के हिसाब से बड़े छह सेशन या पांच छह सेशन जितने भी हैं वैक्सीन के हिसाब से सेशन लगाते हैं। प्रत्येक सेशन में हमारे 100 से ऊपर लगभग हमेशा बेनिफिशियरी होते हैं, और हमें बिना स्लॉट के भी हम ऑन द स्पॉट करते हैं। लोग को परेशान नहीं हुए, कई लोग ऐसे हैं कि जो स्लॉट बुक करना नहीं जानते हैं वो यहाँ पर आके अपना खुद ही स्लॉट बुक कर लेते हैं। सब लोग दूरी बना के आ रहे हैं और अब सभी खबर चमोली से, जहां पर भारतीय सेना इन दिनों स्वर्णिम विजय दिवस मना रही है। आपको बता दें कि 1971 की लड़ाई को 50 साल पूरे होने पर सेना के द्वारा स्वर्णिम विजय दिवस मनाया जा रहा है। इसी दिन 1971 में भारत ने बांग्लादेश को एक अलग देश बना दिया गया था। 1971 में भारत पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी, उसमें भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश देश का नया निर्माण किया था। इस युद्ध को 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर भारतीय सेना के द्वारा स्वर्णिम विजय दिवस मनाया जा रहा है। जोशीमठ गढ़वाल स्टेट आउट में सेना के जवानों ने गर्मजोशी के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और उन्हें नमन किया है। तो चमोली से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर शहीदों ने को नमन किया गया और भारतीय सेना ने स्वर्णिम दिवस मनाया है। वहीं लक्सर में पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है और इसी कड़ी में पुलिस को कामयाबी भी हासिल हुई है। पुलिस ने एक आरोपी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से पुलिस ने 11.7 ग्राम स्मैक भी बरामद किया है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीसी की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो लक्सर से एक खबर बता रहे, जहां पर पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है और इसी कड़ी में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्योंकि पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने पकड़े गए तस्कर के पास से 11.7 ग्राम स्मैक को भी बरामद किया है। बता दें कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीसी की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया और पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से देहरादून मसूरी मोटर मार्ग पर कई स्थानों पर मलबा आ गया है, जिससे लोगों के आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। लगातार हो रही बारिश से मार्ग में मलबा आने का सिलसिला जारी है और हर समय दुर्घटना का भय भी बना रहता है। वहीं लाइब्रेरी किंगरेम मार्ग पर सड़क का एक हिस्सा ढह गया, जिससे कुछ समय के लिए ये मार्ग बाधित रहा है। विभाग लगातार रेड मोड में है, यहाँ पे 4 जेसीबी लगा रखी है। यहाँ कहीं भी देखिए, प्रकृति को आपदा को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन विषय यह कि आपदा के बाद हमारा तंत्र किस तरह गति से काम कर रहा है। हमारे युवा मुख्यमंत्री उसका धार्मिक नेतृत्व में हमारी हर विभाग में पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं। तो
उत्तराखंड में लगातार तेज बारिश हो रही है, जिससे लोगों के आवागमन में भारी समस्याएं आ रही हैं। आपको बता दें कि बारिश चलते पहाड़ों से मलबा आ गया है और ये सड़कों पर आ गया, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया, जिससे लोगों के आवागमन में भारी समस्या हो रही है। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश से मार्ग में मलबा आने का सिलसिला लगातार जारी है और हर समय दुर्घटना का भय भी बना रहता है। वहीं लाइब्रेरी किंग रोड मार्ग की बात की जाए तो वहां पर भी सड़क का एक हिस्सा ढह गया, जिससे कुछ समय के लिए ये मार्ग बाधित रहा है। मसूरी से खबर है, जहां पर लगातार बारिश से लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रमार्ग पूरी तरह से बाधित है और इससे लोगों के आवागमन में भारी समस्या हो रही है। विभाग लगातार रेड मोड पे है। यहाँ पर हमने 4 जेसीबी लगा रखी है। जहाँ कहीं भी देखिए, प्रकृति को आपदा कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन विषय यह है कि आपदा के बाद हमारा तंत्र किस त्वरित गति से काम कर रहा है। हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में हमारी हर विभाग में पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं। शिव कॉलोनी और स्थानों पर विगत कई सालों से पानी का संकट बना हुआ है, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों का बार बार ये कहना है कि कई बार उन्होंने इसकी शिकायत भी की, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि लगातार ये समस्या उठाई जा रही है और साथ ही कई बार जल संस्थान की वाहन के द्वारा वहां पर पानी की आपूर्ति भी की जाती है। क्षेत्रवासियों के साथ समाज सेवी पंडित मनीष गोयल के नेतृत्व में स्थानीय निवासियों के द्वारा अधिशासी अभियंता को ज्ञापन भी सौंपा गया है, जिसमें ये मांग की गई है कि क्षेत्र में शीघ्र जल आपूर्ति सुचारू की जाए, ताकि यहाँ के लोगों को पानी की किल्लत से जूझना ना पड़े। मसूरी विधानसभा में जब भ्रमण में था तो सिकलों की समस्या सुनी, काफी लंबे समय से उनकी पानी की समस्या थी। 300 सीढ़ियां 90 की ढलान में कि वहाँ से उनको पानी आना जाना पड़ता था, तो उनकी समस्या देखकर जब मैंने उनका जल निगम संस्थान से मैंने बात करी देहरादून में, तो उन्होंने बोला 1 साल पहले टेंडर हो चुका था, पर अधिकारी इतने सुस्त थे कि वो सोए बैठे थे और जिनको टेंडर दिया गया था वो भी सुस्त थे, क्योंकि अप्रैल उसमें गर्मी टाइम में काम हो सकता था, पर उन्होंने काम को ढील रखा। उसके बाद मैंने आज मसूरी में आकर जल संस्थान में अधीन साहब तो मसूरी स्थित शिव कॉलोनी और अन्य स्थानों पर कई सालों से पानी का संकट बना हुआ है और इसी को लेकर क्षेत्रवासियों ने कई बार विभाग को भी अवगत कराया है, लेकिन इस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। स्थानीय लोगों को दूर दूर से पानी भरना पड़ रहा है, साथ ही कई बार जल संस्थान की वाहन के द्वारा वहां पर पानी की आपूर्ति भी की जाती है। वहीं क्षेत्रवासियों के साथ समाज सेवी पंडित मनीष गोयल के नेतृत्व में स्थानीय निवासियों के द्वारा अधिशासी अभियंता को ज्ञापन भी सौंपा गया है, जिसमें ये मांग की गई है कि क्षेत्र में शीघ्र जल आपूर्ति सुचारू की जाए, ताकि यहाँ के लोगों को पानी की किल्लत से जूझना ना पड़े। वहीं अल्मोड़ा में आशा कार्यकर्तियों का अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी है। सरकार की तरफ से लगातार आशाओं के आंदोलन की अनदेखी हो रही है, जिससे कि नाराज होकर आशा कार्यकर्ता मुख्य बाजार से जोरदार प्रदर्शन कर रही है और रैली भी निकाली गई है। आपको बता दें कि आशाओं का ये कहना है कि उन्होंने अपनी मांगों का ज्ञापन मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से सरकार को भेजा है। आशा कार्यकर्तियों का ये कहना था कि खुद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने माना है कि आशाओं के बिना स्वास्थ्य विभाग का कार्य संभव नहीं है। आशा कार्यकर्तियों लगातार ये कह रही है कि सरकार उनकी मांगों का शीघ्र ही समाधान निकाले, वरना उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। सारी निराश बैठी हुई है और आशाओं का इतना उत्पीड़न करा जा रहा है सरकार के द्वारा। सरकार को समझना चाहिए कि आशाओं के साथ आशाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। जितना भी सरकार की तरफ से काम आता है, आशाएं ने कभी नहीं कहा कि हम नहीं करेंगे, चाहे वो रात के 12 बजे हो 1 बजे हो, हर डिलीवरी में आशा जाती है। उसके बाद भी आशाओं का इतना शोषण किया जा रहा है कि आशा की